हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्किल चार्ज्ड और आज हम बात करेंगे फिग्मा के बारे में। फिग्मा एक कोलैबोरेटिव डिज़ाइन टूल है, जिसका मतलब होता है एक ऐसा टूल जिसमें आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ। फ्रेंड्स, फिग्मा लास्ट 2-3 ईयर्स में UI UX डिज़ाइनिंग के सबसे पॉपुलर टूल्स में आ गया है। ट्विटर, कॉइनबेस, वॉल्वो, स्पॉटिफाई, गिटहब जैसी कंपनीज इसे यूज़ करती हैं। और फिग्मा की एक और अच्छी बात यह है कि ये macOS और विंडोज दोनों के लिए है, और साथ ही में ये वेब बेस्ड है। वेब बेस्ड होने की वजह से ये सारे OS को सपोर्ट करता है, और साथ ही मोबाइल ऐप्स आती हैं जिसमें आप अपने डिज़ाइन को रिव्यू कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, फिग्मा की एक और ख़ास बात है कि ये इंडिविजुअल्स के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो इस तरीके से वर्क करता है कि ये लोग जो टीम्स हैं या जो बड़ी कंपनीज हैं उनसे चार्ज करते हैं और इंडिविजुअल्स को फ्री प्रोवाइड करते हैं। और ये एक बहुत अच्छा टूल है सीखने के लिए अगर आप UI UX डिज़ाइनिंग की फील्ड में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि आपको सीखते टाइम कुछ पे भी नहीं करना पड़ेगा, और जब आप कंपनीज में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी पेड वर्जन मिलेगा। तो चलिए जानते हैं क्यों फिग्मा बेटर है अपने ऑल्टरनेटिव से। सबसे पहला रीज़न है कि ये एक वेब बेस्ड टूल है, जिसका मतलब है आप जिन भी फाइल्स पे वर्क करते हैं वो हमेशा क्लाउड पे ही सेव होती हैं, तो आप उसको किसी भी लोकेशन से एक्सेस करेंगे, चाहे आप या आपके टीम मेंबर्स, वो बहुत फास्ट एक्सेस होगी। सेकंड रीज़न है कोलैबोरेशन। जैसे कि पहले भी हमने इस पे बात करी, कोलैबोरेशन एक बहुत बड़ा फीचर है फिग्मा का, जिसमें आप अपने टीम मेंबर्स के साथ डायरेक्टली ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, चाहे आप साथ बैठे हैं या आप इस पे रिमोटली वर्क कर सकते हैं, और साथ ही आप इसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं, जिसमें बाकी यूजर्स के लिए आपकी फाइल रीड ओनली मोड में ओपन होती है, और आप जो भी वर्क कर रहे होते हैं या जो भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो उनको दिख रहा होता है। और थर्ड रीज़न है इसका अटेंशन टू डिटेल, क्योंकि फिग्मा एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप है जिसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन है, यानी कि 75,000 करोड़। इस वजह से इसमें डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है और इसमें नए फीचर्स आते रहते हैं, जिससे ये प्रोडक्ट यूजर्स के लिए बेटर होता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं फिग्मा के ऑल्टरनेटिव्स की। फिग्मा के तीन मेजर ऑल्टरनेटिव हैं। फर्स्ट है Adobe XD, जो कि Adobe क्रिएटिव सूट का पार्ट है और बहुत अच्छा टूल है UI UX डिज़ाइन के लिए। सेकेंड ऑल्टरनेटिव है स्केच, जो कि सिर्फ मैक के लिए आता है, बट ये एक बहुत पहले से आया हुआ टूल है और काफ़ी पॉपुलर भी है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो ऐप है वो डेस्कटॉप नेटिव पे वर्क करती है, तो अगर आप सिंगल यूजर हैं तो ये बेस्ट टूल है वर्क करने के लिए। और फ्रेंड्स, तीसरा ऑल्टरनेटिव है फ्रेमर, जो कि एक फिग्मा की तरह ही कोलैबोरेटिव टूल है, बट उतना पॉपुलर नहीं है, बट अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं, बहुत अच्छा टूल है सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन फिग्मा के बारे में। चलिए अब इसको ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले आप फिग्मा पे एक अकाउंट बनाइए, और उसके बाद जब आप इसमें लॉगिन करेंगे तो इसका डैशबोर्ड यानी इसकी होम स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें आपको टॉप लेफ्ट में प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप एक न्यू फाइल बना सकते हैं। न्यू फाइल कुछ ऐसी दिखेगी, तो चलिए इसकी इंटरफेस को थोड़ा देख लेते हैं। टॉप साइड में कुछ टूल्स हैं इस पे वर्क करने के लिए, जैसे कि सेलेक्ट टूल, टाइप टूल, पेन टूल। और सेंटर में जो ग्रे एरिया है ये आपका कैनवस है। इसमें हम पहले आर्टबोर्ड्स क्रिएट करके फिर उसके बाद UI डिजाइन को क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा, ये था इंटरफेस फिग्मा टूल का। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारा UX/UI प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप 6 मंथ्स का डिप्लोमा करेंगे, क्लासेस जो है वो ऑनलाइन होंगी, आपको रिटन नोट्स मिलेंगे और साथ ही लाइव प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने का मौका मिलेगा। इसमें आप फिग्मा और Adobe XD दोनों सीखेंगे। ये एक बहुत ही डिटेल्ड कोर्स होगा, जिसको करने के बाद आपके करियर को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इस कोर्स के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और साथ ही हमें कमेंट्स करके बताएं कि आप हमसे और क्या सीखना चाहेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे Adobe XD के फ्री कोर्स को भी देख सकते हैं, जो कि YouTube पे अवेलेबल है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
Thanks for watching and keep learning.